खबर जनपद नैनीताल के लाल कुआं से है, जहां छात्र संगठन आयशा ने देश में बढ़ रहे महिला अपराधों के खिलाफ कैंडल जलाकर विरोध किया। इसके साथ ही एक श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई। इस दौरान छात्र संगठन आयशा जिलाध्यक्ष धीरज कुमार ने कहा कि कोलकाता में डॉक्टर की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची और रुद्रपुर में नर्स की हत्या कर शव फेंक दिया गया। इसी को लेकर छात्रा सरिता ने कहा कि देश आज़ादी के 78वें साल में प्रवेश कर गया है, तब यह सवाल हमारे सामने है कि महिलाओं के लिए कहीं भी किसी भी समय बेरोक टोक आने जाने की आज़ादी हम कब हासिल कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि आज तीनों महिलाओं को श्रद्धांजलि देते हुए सभा का कर विरोध प्रदर्शन किया है। इसके तहत ही सभी दोषियों को सख्त सजा देने व सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु कड़े कदम उठाने की मांग की गई है। लाल कुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। जो देश में लगातार यौन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जो हमने पिछले दिनों भी देखा, जो उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश में महिलाओं के प्रति हिंसा किस कदर बढ़ी है, और अभी जो वर्तमान में हमारे पास ताज़ा घटना जो बहुत ही हमारे झकझोर देने वाली इंसानियत को सामने आई है, जिसमें पश्चिम बंगाल में जो महिला डॉक्टर है मेडिकल कॉलेज में, जिसके साथ एक बहुत अमानवीय घटना, रेप के बाद उसके साथ जो है उसकी हत्या कर दी जाती है, और ये हमारे देश में इस बात को दर्शाता है कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों में, अस्पतालों में, स्कूलों में, कॉलेजों में महिलाओं की सुरक्षा कितनी चाक चौबंद है। जो इस तरीके की घटना हुई है, उसके बाद हमने देखा कि जो बिहार में जो एक दलित समुदाय की बच्ची के साथ इस तरीके की बलात्कार के बाद घटना हो जाती है, जो है हमारा रुद्रपुर में एक नर्स के साथ जो है उसका शव मिलता है, बरामद होता है, तब पता चलता है कि उसके साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या हुई है। तो जो ये तमाम मामले हैं, इस बात को दिखाते हैं कि इतनी दरिंदगी जो महिलाओं के प्रति समाज में बढ़ रही है, जो ये सत्तात्मक एक सोच है लोगों को, इन तमाम जानते हैं कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा अपराध फैल रहा है, और ये एक जगह नहीं अनेक जगह फैल रहा है। और एक मामला हमारे आगे बहुत दिनों से आ रहा है, जो कि डॉक्टर के साथ हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे सारे साथी एकत्रित हैं, और ये सब ये आगे प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हमें महिलाओं को एक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, और इसके लिए हमारी सरकार को जरूर खड़ा होना चाहिए और सत्य का साथ देना चाहिए, जो कि वो नहीं दे रहे हैं। तो उनको इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और हमें